ये सेक्शुअली प्रोडक्शन इन एनिमल्स द पार्थेनोजेनेसिस फर्स्ट आ कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, दैन पैटर्नस ऑफ पार्थेनोजेनिस एमोटिक पार्थेनोजेनेसिस एंड मीओटिक पार्थेनोजेनेसिस। सो फर्स्ट आ पार्थेनोजेनेसिस। अस्ट्रेंड्स पार्थिन पार्थिनो का लफ्सी मतलब होता है वर्जन एंड जेनिस मीन प्रोडक्शन यानी कि एक एनिमल जो है उसकी विदाउट फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस है यानी वर्जन प्रोडक्शन है विदाउट जो है वो फर्टिलाइजेशन अगर कोई एनिमल प्रोड्यूस हो रहा है अब इसका मतलब यह है कि जो एनिमल्स है वो प्रोड्यूस एग से हो रहा है लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसकी डेफिनेशन भी यही है कि पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वन एनिमल्स इज़ रिप्रोड्यूस फ्राम एन अनफर्टिलाइज्ड एग एक अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होता है कि एनिमल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है सो so, अब पार्थिनोजेनिस का मेथड जो है ये बेसिकली ए सेक्शुअल मेथड है क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है अच्छा आपने यहाँ थोड़ा सा ये देखना है कि जब हम सेक्शुअली रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और ए सेक्शुअल में हम कहते हैं इट इज द बेसिकली द नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स अच्छा पारथिनोजेनिस में गैमीट्स तो बन रहे हैं क्योंकि एग एक गेमीट है लेकिन ये गेमीट आगे फर्दर क्या हो रहा है फर्टिलाइज नहीं हो रहा है यानी एग की फॉर्मेशन तो हो रही है यानी गैमीट बन रहा है इस लेवल के उसकी आगे फर् फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है इसीलिए अगर हम फर्द फर्टिलाइज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम ये डेफिनेशन करना चाहें कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड तो ये गलत होगी क्योंकि गैमीट्स सेक्सुअल में तो बनते ही बनते हैं ए में भी बनते हैं पार्थिव के दौरान एक्चुअली जो बनते हैं सो एग इज़ एक्चुअली अ गैमीट ए सेक्शुरी प्रोडक्शन में जो पार्थिनोजेनिस के है डिफरेंट पैटर्न हैं यानी एग से आगे यंग वन डेवेल्प होने का जो है वो प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन उसका डिफरेंट पैटर्नस हैं दो पैटर्न ज्यादा इसमें कॉमन हैं वन इज द एमियोटिक पार्थिनोजेनिस एंड अदर वन इज द मी ऑटिक यानी एमियोटिक यानी एक ऐसा पार्थिनोजेनिस का प्रोसेस जिसमें मी इन्वॉल्व नहीं है यानी अगर पार्थिनोजेनिस में जो एग है वो विदाउट मी प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे ये ए म्योटिक पार्थिनोजेंसिस है यानी अब देखें जब एग जो है अगर मियोसिस के बगैर पैदा होगा तो वो डिप्लॉड एग होगा क्योंकि मियोसिस में ही एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर क्या नहीं होता है हाफ ना होता है हम सारे टू एन हैं एनिमल्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है वो डिप्लॉयड एनिमल्स हैं तो जो एग होता है वो हैप्लॉयड होता है एग भी हैप्लॉयड होता है स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है दोनों के मिलने से दोबारा जब जाइगोड बनता है तो फिर जो एन और एन टू एन हो जाता है डिप्लॉड हो जाते हैं अगेन अब पार्थिनोजेंसिस जो ए मिओटिक पार्थिनोजेंसिस है अगर मियोसिस नहीं होगी तो एग हैप्लाइड नहीं होगा बल्कि वो डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस होगा और वही डिप्लॉड आग, आगे फिर क्या करेगा जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो डिप्लॉड ऑर्गेनिज्म जो उसको बनवा देगा जैसा कि हमारे पास जो फ्लैट वर्म्स हैं रोटीफर्स हैं इंसेक्ट्स के अंदर जाओ ये क्रस्ट्रेशन वगैरह के अंदर जाओ क्रस्टेशन भी एक्टिक हमारे पास जाओ आर्थ्रोपोड्स हैं तो ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एमियोटिक पार्थिनोजेंसिस है जिसमें एग जो है वो डिप्लॉयड एग होता है लिहाजा उसको फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्लॉइड होता है वो एक न्याय अंकम प्रोड्यूस कर देता है मीओटिक पार्थिनोजेंसिस ऐसी पार्थिनोजेंसिस जिसमें एग मियोसिस के थ्रू पैदा होता है अब अगर एग म्योसिस के थ्रू पैदा होता है इट मीन्स कि एग जो होगा वो हैपेलॉइड होगा तो मीओटिक पार्थिनोजेंसिस में जो एग्स प्रोड्यूस होंगे दे आर हेपलॉइड अब हैप्पलॉयड एग आग ने आगे नया इंडिविजुअल बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बगैर अब इसके दो मेथड्स हैं जो एनिमल्स के अंदर देखे गए हैं एक वो मेथड है कि जो हैपेलॉयड एग है ये आगे फर्दर सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले पहले अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट का मतलब है वो हैपेलॉयड से डिप्लॉइड हो जाएगा यानी एक एग हैपलॉयड प्रोड्यूस हुआ प्रोड्यूस होने के बाद आगे उसने पार्थिनोज स्टार्ट करने से पहले अपने आपको डिप्लॉयड बना लिया क्रोमोसोम जो होते हैं उसके डुप, डुप्लीकेट हो गए हैं अब जो डिप्लॉयड जो कि ये डिप्लॉयड एग बन चुका है तो ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो उसको प्रोड्यूस करेगा टू एन नंबर वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा कुछ एनिमल्स के अंदर इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है वहां जो हैप्लॉयड एग है वो एक वो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या होगा कि उस हैप्लॉयड एग से जब पार्थिनोजेनिस होगी तो हेप्लॉड एनिमल ही प्रोड्यूस होगा ये हैप्लॉइड एनिमल्स के एग्जाम्पल हमारे पास जैसे आपको पता हनी बीज का जो ड्रोन्स होते हैं जो मेल हनी बीज होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं क्योंकि वो एक ऐसे एग से प्रोड्यूस होते हैं जो हैप्लॉयड होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन भी आगे एक नया जो है वो ड्रोन प्रोड्यूस करवा देते हैं या सो हाउ एग इज एक्टिवेटेड अगर हम बात करें कि ये पार्थिन में एग कैसे एक्टिवेट हो रहा है तो एग की एक्टिवेशन जो है ना उसके दो तीन पैटर्न्स हो सकते हैं एक ही हो सकता है फ़िश के अंदर देखा गया है कि फ़िश में पारथिनोजेंसिस होती है पार्थिनोजेंस इस तरह से होती है कि एक फिश एग प्रोड्यूस कराती है और वो एग एक नई फिश में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन अच्छा देखा यह गया कि जब वो एक एग जो है फिशज़ में प्रोड्यूस होता है तो मेल फिश आकर वहाँ स्पर्म रिलीज़ करेगी वो जो स्पर्म है वो एग की फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा बल्कि जस्ट उसको एक्टिवेट कर देगा तो यानी सम टाइम पारथिनोजेंस में स्पर्म्स जो होते हैं वे जस्ट क्या करते हैं वो एक्टिवेशन अफेक्ट करेंगे अगर ये स्पर्म कंबाइन कर करके एग के साथ तो फिर तो ये सेक्शली रिप्रोडक्शन हो जाएगी पार्थिनोजेंसिस नहीं होगी लेकिन पार्थिनोजेंसिस में क्या है कि एग जो है उसकी जस्ट स्पर्म्स को टच करेगा और उसके टच करने के साथ ही क्या हो जाएगा कि ये एग एक्टिवेट हो जाएगा और एक फिश बना देगा वो ज़्यादातर केसेस में जो एग्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर या स्पोटेनियस एक्टिवेशन होती है जो एग जो होता है वो खुद ही किसी स्वर्म के बगैर ही क्या करता है एक्टिवेट हो जाता है एग एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि एग आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कराएगा और एक नया एनिमल जो है वो बना देगा